अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका भैया जा रहा है रियाजुल जन्ना और मदीने के अंदर, इसमें अंदर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। इसमें जाकर हम नफल पढ़ेंगे और अपनी इबादत करेंगे कम्प्लीट। यहाँ से अभी रश हो रहे हैं, यहाँ पर ये मेरे होटल से मैं भी निकल के ना मैं जा ही रहा हूँ रियाजुल जन्ना। फुल तेज धूप पड़ गया यहाँ से, और आपका भैया नहा धो के फ्रेश हो के लदा रहा है। अभी आपका भैया अभी टॉप पहने लगा था, लेकिन मैंने कहा कल अभी वो है क्या कहते हैं उसे ईद है तो वह तब पहनेंगे, अभी यहाँ पहन के चले जाते हैं। ये ना अंदर लाओ ना करें अरबी टॉप और ऊपर उसे क्या कहते हैं रुमाल क्रीम बाइक, इस पर आप क्रीम भी चला के पैसे हैंड कर सकते हैं माशाल्लाह। और ये वो वाली नहीं है आम बाइक, ये चार्जिंग वाली बाइक है। सब यहाँ से एंटर हो रहा हूँ मैं मदीने की तरफ, भाग भाग के चलता हूँ, भाग भाग के जाता हूँ मदीने की तरफ, क्योंकि मेरा 3 बजे का परमिट है और आपका भाई हमेशा की तरह लेट से 2:30 बजे 15 मिनट पहले आना होता है, तो भाई भाग के जाना पड़ेगा यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह मदीने की रोड के, तुमको बता दे सब पहुँचने वाले हैं ना। ये रास्ते में मस्जिद आती हैं, एक वो हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम की है, इसका मुझे प्रॉपर नहीं पता, बस ये मुझे बताया था मामा ने मेरे, ये वो है। और माशाल्लाह कितना कितना व्यू है पीछे आप देख सकते हैं, और सोचने लगे फुल तेज़ धूप निकली हुई अशद किस्म की धूप है भाई, ये मस्जिद है। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखो वो सामने है मदीना मस्जिद नबी, उसके ये गुम्बद बने हुए हैं आगे मस्जिद नबी। तो हम जा रहे हैं रियाजुल जन्ना, कबूतर माशाल्लाह माशाल्लाह ये मस्जिद नबी आ गई, लेकिन हमने यहाँ से एंटर नहीं होना, ये 310 नंबर गेट है और वो है मस्जिद नबी, आपको दूर से दिखा देता हूँ। सो हमने बाहर से जाना है, यहाँ से अभी एंट्री नहीं होते, हमने जाना 365 गेट से, तो 365 गेट वी हैव टू गो स्ट्रेट, यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना है। और ये मतलब कि इस मस्जिद के इतने सारे गेट हैं, यहाँ वहाँ सब जगह से आ सकते हैं, तो हमें वहाँ जाना था। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी बड़ी मस्जिद है, मतलब कि मस्जिद नबी जहाँ से उनके ना दो पोर्शन अलग किए हुए हैं, और जहाँ पे रियाजुल जन्ना है वहाँ से हम वो जाने के लिए हमें उस साइड पे जाना होगा, वहाँ की तरफ जा रहा हूँ। पीछे से फुल तेज़ धूप निकली, वेदर चेक करें माशाल्लाह धूप निकली और वेदर इतना क्लियर है और मस्जिद इतनी प्यारी है ना। मैं भाग के चलता हूँ फिर आगे जाके वीडियो शूट करता हूँ। 107 गेट से वो देखें माशाल्लाह, ये भी मेन एंट्री है मस्जिद नबी की वो वाली, और हमने भी आगे जाना है, अभी यहाँ रुकना नहीं है। ये कितना प्यारा बना हुआ यार यहाँ पर भाई, आपका पिक्चर नहीं ले सकता लेकिन वीडियो में तो आ सकता है, आ रहा वीडियो में पिक्चर कैमरा 5। यहाँ से मुझे एंट्री लग रही है क्योंकि इस साइड से अलाउ कर रहे हैं जाना हो रही है, यहाँ से हम एंटर होके जा सकते हैं रियाजुल जन्ना। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा बना हुआ है पिक्चर से व्यू, और दिखाता है यहाँ से नज़र आ रहा हो आपको प्रॉपर, थोड़ा सा पास जाके दिखाता हूँ फिर आपको। मेरी खुशी यार एक परमिट मिली नहीं रहा आपके भाई को, मिल गया खुशकिस्मत आपका भाई, बस देख लो आप आपको जो चीज़ें सिखाते हैं प्रॉपर होके तरीके बताते हैं ताकि आप लोग भी ऐसे ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स इन्जॉय कर सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल माशाल्लाह। सामने जाना होगा हमें, यहाँ से नहीं है रियाजुल जन्ना का गेट, ये यहाँ से मैं एंटर हो रहा था यहाँ से नहीं, वी हैव टू गो ऑन द लास्ट, करीब जाकर दिखाते हैं चलो। रियाजुल जन्ना का वो गेट है और तो वैसे पहले हमने ऐसे वही जिसने बुजर्दी ने गाइड किया था कल 365 गेट से आना है,
So I'm 367 gate. यहाँ से अलग उतरे था अपना भाई अब एंटर होगा माशाल्लाह 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 तो भाई बैठे हो गया परमिट में तो करना पड़ेगा नहीं है परमिशन नॉर्मल है आपके भाई को मिल गया है परमिट और क्या हो सकती है खुशी की बात माशाल्लाह माशाल्लाह का भाई जा रहा है रियाजुल जन्ना आए हाय 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 कितनी खुशकिस्मत की बात है हम वेरी खुशकिस्मत माशाल्लाह माशाल्लाह रियाजुल जन्ना का भाई आ गया यहाँ से एंटर होना अंदर और देखते हैं लाइन सबसे कम यही लग रही है सबसे कम वाली लाइन यहाँ से एंटर होता आपका भाई रियाजुल जन्ना माशाल्लाह 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 रियाजुल जन्ना में हम जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ये परमिट है यहाँ का लिया और आके भाई ने आके भाई की किस्मत चेक करो यार रियाजुल जन्ना में जा रहा है इससे ज़्यादा क्या कुछ किस्मत हो सकती है माशाल्लाह माशाल्लाह भाई फुल तेज अशद धूप के अंदर आपका भाई जा रहा है ओ यहीं पे आज अफ्तारी में देखो कह देंगे कल मौका मिला इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जा रहे हैं रियाजुल जन्ना रियाजुल जन्ना गेट माशाल्लाह रियाजुल जन्ना गेट माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया हम अंदर नमाज पढ़ी है नफल पढ़े हैं माशाल्लाह आके भाई नहीं इतने ज़्यादा नफल हो रहे हैं और नमाज पढ़ी है दुआ मांगी है बहुत ज़्यादा सबके लिए दुआ मांगी है अल्लाह सबको मौका दे यहाँ पर रखने का आमीन ये एग्जिट हो रहा है जुमलतुल बकी से माशाल्लाह असर की नमाज और अंदर सारा कुछ पढ़ा हमने नफल इतने ज़्यादा पढ़े और दुआ मांगी इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुआ मांगी जिसके ना लाइक जो जो थे जो जिसने मुझे कहा था दुआ के लिए वो मांगी इतना रो रो के दुआ मांगी अल्लाह सबको इधर जाओ वे मेरे पाँव मैंने चुप थी मैं लूँ एक मिनट फुल गर्मी माशाल्लाह माशाल्लाह आपके भाई ने नमाज पढ़ी है
जहाँ पर आपसे पड़ रहे थे उसके सामने फिर उनके दिमाग में सबको मौका दें वहाँ पर वेरी हैप्पी सर दिस इज़ द बेस्ट थिंग सो ये सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ थी कि मुझे यहाँ पर मौका मिल गया ना यहाँ पर फॉर्मेटिंग सो आई वेरी हैप्पी। अब मैं जा रहा हूँ इफ्तारी के लिए, उधर ही इनके इंतज़ाम होता है यहाँ पे, वो भी आपको दिखाता हूँ। फुल धूप पड़ी है, फुल हाई क्लास धूप पड़ी है। आप लोगों को जन्नत बच्ची दिखाई है और सभी दुआ करें अपने लिए, मैंने भी काफ़ी लोगों के दुआ की काफ़ी ज़्यादा। जिसको पता है उसी को इस चीज़ का पता है ये कितनी कीमती टाइम और कितना कीमती जगह थी जहाँ हम गए हैं। जो लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं तो वो डेफिनेटली उनको पता होगा। आपकी जितनी भी परेशानी है किसी लोगों से किसी के आगे हाथ लाने की रोटी से अल्लाह के हाथ लाने आ जाए। हाँ तो काल करो, काल करो, यहाँ पर आके आप अपनी प्रेयर्स करें। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी होती है मेरे पास और मैं यहाँ जाके आगे दुआ की और सुकून है ना इस जगह पर। मैं तो हर साल ही आना अभी आप लोग देख पैसे देखें अगर पैसे हो तो वो तो हो जाते हैं बट देखिए ये जो चीज़ें हैं ना जवानी में उम्र जवानी में हर चीज़ ये पालतें होती हैं कबूल अल्लाह को बहुत पसंद है तो आप लोग लाजमी है टाइम वेस्ट ना करें। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ आगे इफ्तार के लिए, आई एम गोइंग फॉर इफ्तारी। सो सी दिस इज़ द मस्जिद नबी, आई कैन जस्ट पुट माई कैमरा टू फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। So this is not for you. But just who wants to call good friends and like wanna work on WhatsApp, on chat, on the Instagram, then you can use this package. ये पैकेज उन लोगों के लिए अच्छा, और दे नोज जो उधर बैठे होते हैं ना उनको इंग्लिश आ जाती है, अरबिक भी आती है इंग्लिश भी आती है, तो दे कैन अंडरस्टैंड। इफ़ यू डोंट नो अरबिक यू कैन गो विद इंग्लिश, लाइक यू कैन इन्फॉर्म हिम इन इंग्लिश दैट आई वांट दिस पैकेज दिल गाइडी। तो मैं जा रहा हूँ अंदर मस्जिद नबी के अंदर, वहाँ जाके अब हम अपनी असर की नमाज और अपनी असर की नमाज और मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज, कल ईद होगी आपका भाई तो पहन के आएगा। और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह सो ये मैं कह रहा हूँ यार ये जो एक दफ़ा जिसने ये विज़िट कर लिया होता है ना वो डेफिनेटली हर साल हर दफ़ा आता है, इतनी प्यारी जगह है यार माशाल्लाह। आपके भाई का ये यहाँ से साथ ही ना 40 नमाज़ें पूरी करने के बाद आपका भाई जाएगा मक्का, मक्का जाके फिर बात करेगा। और आपके भाई ने हजरे असद और उसको हाथ भी लगाया और खाना खाबा को भी और इस को बोसा दिया पूरा। उसके बाद 27 रमज़ान को भी, उसके बाद अब आपका भाई जा रहा है अंदर असर की नमाज़ पढ़ेगा और बाकी प्रेयर्स यहाँ पढ़ेगा। उसके बाद माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल प्लेस माशाल्लाह मस्जिद नबी जा रहे हैं अब अंदर और फिर अभी जूतियाँ हाथ में रखे वी कैन विजिट दिस ब्यूटीफुल मॉस्क। आप अब यहाँ जाके यहाँ पर ही अंदर भाई ने असर नमाज़ पढ़नी है मगरिब और ईशा, और अगर आज रोज़ा हो गया तो तरावियाँ दरवाज़े जान ये पढ़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद देखिए आप कितनी ज़्यादा प्यारी मस्जिद है। और लेट मी चेंज द कैमरा मोड, मस्जिद माशाल्लाह एडजस्ट होगा एडजस्ट होकर नमाज़ पढ़ेगा और अपनी बाकी की सारी प्रेयर्स यहाँ पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहीं पे मैं तो कह रहा हूँ बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं जस्ट होगा माशाल्लाह। ये इफ्तारी मिली है हमें आज और मदीना में बैठे हैं हम मस्जिद नबी के अंदर, इफ्तारी अभी मैं इसी वक्त यहाँ पे एंड करता हूँ और कल अब ईद हुई तो ईद के रात भी यहाँ पर आएंगे टाइम पे और अपना ईद यहाँ पर ही गुजारेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।